Welcome, dear friends. Today, the topic of the day is derivatives of the functions in parametric forms. हम आज के इस अध्याय में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12 मैथमेटिक्स. इसमें कुल 11 प्रश्न हैं. इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट मेथड कैसे हम बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दौर में. द टॉपिक इज डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं. डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स में एक नया वर्ड हमारे पास पैरामीट्रिक पैरामीटर इंट्रोड्यूस हम यहाँ पर कर रहे हैं. मान लीजिए कोई दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं. पहला वेरिएबल जिसका नाम है x, दूसरा वेरिएबल है y. लेकिन इन दोनों में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में तालमेल बिठाने वाला एक तीसरा वेरिएबल है जिसका नाम है t. तो इस t को ही हम पैरामीटर कहेंगे. अगर इन दो फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कहने का डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम ये लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टी अपॉन डी टी. तो ये जो हमारे पास सेकंड डिनोमिनेटर है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइडेड बाई, हम लिख सकते हैं ये पहला न्यूमिनेटर जो है वो फोर्थ डिनोमिनेटर में चला जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी. तो ये पहला रूल है जिसके तहत हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर. माय डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज में हमारे पास कुल 11 प्रश्न दिए हुए हैं. x is equal to 280 square, y is equal to 80 raised to power 4. Question number 1. Question number 2. x is equal to a cos theta, y is equal to b cos theta. मतलब कहने का हर एक क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं और दोनों में एक कॉमन कनेक्टर है जो कि वेरिएबल t, जिसे हमने पैरामीटर का नाम दिया है. तो आइए बढ़ते हैं किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. हम बात करें एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1 की. यहाँ पर फाइंड dy dx इफ x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर इज गिवन, 80 रेज टू पावर 4 इज गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल x का डेरिवेटिव हम जो वेरिएबल यहाँ पर t दिया हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू t हमने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया. 2a इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट को हमने एज इट इज यहाँ लिख लिया. और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2t. तो 2t इसी तरह से y का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ पर t रेज टू पावर 4 का हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. a इज कांस्टेंट, सो हमने इसको कोई चेंज नहीं लेकर आए, लेकिन t रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव जो है वो है 4 इंटू t रेज टू पावर 3. इस तरह से हम अपने क्वेश्चन के आंसर की बात करें, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी. तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू थी यहाँ पर 4a t रेज टू पावर 3 और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू थी 2a इंटू 2t का मतलब 4a t. तो 4a को हमने 4a के साथ कैंसिल कर दिया. t रेज टू पावर 3 अपॉन t इज इक्वल टू t रेज टू पावर 2. तो इस तरह से हमारे पास आंसर हमें मिल चुका है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 2, dy dx पता करना है. x is equal to a cos theta, y is equal to b cos theta. मतलब कहने का यहाँ पर अब की बार theta is the parameter. पिछले क्वेश्चन में t पैरामीटर था, तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू theta डिफरेंशिएट कर रहे हैं. dx अपॉन d theta, a इज कॉन्स्टेंट, सो cos theta का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हुआ.
इसी तरह से यहाँ पर y को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिसे लिखा जाएगा dy वाई अपॉन डी थीटा। बी जो है हमारे पास कांस्टेंट है और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। अब क्या करना है, हमने सीधी ये दो वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की हैं, न्यूमिरेटर में dy वाई अपॉन डी थीटा पुट कर लेंगे मतलब माइनस बी साइन थीटा, डिनोमिनेटर में ये a इंटू माइनस साइन थीटा मतलब माइनस a साइन थीटा। तो साइन थीटा दोनों कैंसिल हो गए, बच गया आंसर हमारा b अपॉन a। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड dy dx वेयर x इज इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू cos 2t। तो फिर से दोबारा कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। dx अपॉन dt की वैल्यू मतलब साइन t का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos t। इसी तरह से cos 2t y is equal to cos 2t, तो derivative y with respect to t is equal to cos का derivative minus sin, तो मतलब minus sin 2t into 2t का द्वारा derivative जो कि 2 होता है। तो इस तरह से हम इन दोनों को divide करें तो minus 2 sin 2t upon cos t। अब अगर हम इसको और आगे जाकर सॉल्व करना चाहें, साइन 2t की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन t इंटू कॉस t, तो कॉस t हमारा कैंसिल, बच गया फाइनल आंसर माइनस 4 इंटू साइन t। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों साथ साथ में नोट भी करते जाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड dy dx इफ x इज इक्वल टू 4t। तो पहला काम तो यही है कि 4 इज द कांस्टेंट, तो t अकेले का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, तो मतलब dy dx अपॉन dt कितना आ गया आंसर 4। इसी तरह से 4 अपॉन t की बात करें, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 into t raised to power minus 1। तो आंसर कितना आएगा, डेरिवेटिव dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 इज द कांस्टेंट और यहां पर इसकी बात करें माइनस 1 into t raise to power minus 1 again minus 1 मतलब minus 2, तो denominator में ये जाकर plus 2 हो जाएगा और ये minus outside, मतलब dy dt की value कितनी हो गई 4 into minus 1 upon t square। तो इस तरह से आगे बढ़े तो हमने simply क्या निकालना है यहाँ पर, dy dx मतलब कहने का dy upon dt whole divided by dx upon dt is equal to 4, जो हमने यहाँ पर अभी आंसर निकाला 4 into minus 1 upon t square upon 4, 4 4 cancel minus 1 upon t square। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हमें मिल चुका है। dy dx फाइंड करना था तो dy dx की वैल्यू minus 1 upon t raised to power 2। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x is equal to cos theta minus cos 2 theta, मतलब थीटा इज द पैरामीटर, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस साइन थीटा, कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन टू थीटा इंटू टू, क्योंकि हमने टू थीटा का द्वारा डेरिवेटिव निकालना था जो कि होता है टू। इसी तरह से हम राइट साइड की बात करें, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, माइनस का साइन यहाँ पर लिखा गया, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव कॉस टू थीटा इंटू टू। तो आगे बढ़े तो हमारे पास dy dx क्या बन जाएगा, dy upon d theta whole divided by dx upon d theta। तो सबसे पहले हमने ये dy d theta की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली थी, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब cos theta minus 2 into cos 2 theta, और ये जो थी हमारे पास dx upon d theta की वैल्यू, उसको हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। तो इसकी वैल्यू को पुट करने से हमें मिल गया माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, जिसे कि हमने डेरिवेटिव निकाले और इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, dy dx पता करना है और यहाँ पर अब की बार x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब कहने का साफ है थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अगर y की बात करें तो y दिया हुआ है a इंटू 1 प्लस cos थीटा, अब 1 का डेरिवेटिव क्योंकि 1 कांस्टेंट है
इसलिए 1 का डेरिवेटिव सीधा कितना आ गया यहाँ पर 0, और cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो आगे बढ़े अगर हम, तो हमारे पास जो है सिंपली हमने करना क्या था, dy अपॉन dx की वैल्यू हमने पता करनी थी। तो dy अपॉन d थीटा होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन d थीटा, तो dy अपॉन d थीटा यहां से हमने पिक किया, क्या थी इसकी वैल्यू माइनस ए साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। साथ साथ में हमने क्या किया, dx अपॉन d थीटा की वैल्यू जो है यहाँ से रिसीव किया हमने इसको और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। फाइनल हमारा आंसर कितना हुआ, a को हमने आपस में कैंसिल कर दिया, सेम क्वांटिटी फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी कैंसिल हो गई, माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से हम बात करें तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है। फाइंड dy dx वेयर x इज गिवन y इज गिवन, सो दिस इज द फाइनल आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ अब की बात जो है x इज इक्वल टू साइन टी होल डिवाइडेड बाई सॉरी साइन क्यू टी है, ये साइन क्यू टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी, और y इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 3t। तो मतलब कहने का हम समझ चुके हैं कितना था ये। अब dx अपॉन dt हमने पता करना है, मतलब u अपॉन v की फॉर्म, u अपॉन v की फॉर्म, उसका फॉर्मूला क्या होता है u अपॉन v की फॉर्म में, तो v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इस तरह से हमने इसको साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और उधर हम बात करें डिनोमिनेटर की कॉस 2t जिसका स्क्वायर रूट है, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू माइनस 2 साइन ऑफ 2t। तो हम इसको dy dt को भी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो अगर हम बात करें आगे, तो हमने dy dx हमें क्या मिला, सबसे पहले हमने dy, ये जो हम देख रहे हैं कि cos 2t यहाँ पर सेकेंड डिनोमिनेटर और ये फोर्थ डिनोमिनेटर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब cos 2t और इधर भी cos 2t, तो न्यूमिरेटर फर्स्ट और न्यूमिरेटर सेकेंड ये दोनों है हमारे पास, डिनोमिनेटर बन चुका है ये cos 2t। इस तरह से अगले स्टेप को हम करेंगे। हाँ, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो था cos 2t का स्क्वायर रूट, और यहाँ डिनोमिनेटर में जब हम इस डिनोमिनेटर को हटाएं एलसीएम ले मतलब कहने का, तो cos 2t के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो राइट इधर जो सेकेंड टर्म है यहाँ डिनोमिनेटर भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ और सेकेंड डिनोमिनेटर जो है आपस में दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कैंसिल होने से पहले स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t जो है वो फर्स्ट टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एक नया मोड जो इस क्वेश्चन में है वो क्या करना है, हमने cos 2t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। पहले वाले केस में हम 2 cos square t पुट करेंगे, 2 cos square t माइनस 1, ठीक है ना, cos 2t की वैल्यू 2 cos square t माइनस 1, और डिनोमिनेटर जो cos 2t है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 माइनस 2 sin square t। ऐसा क्यों है बेटा, कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ही 1 माइनस 2 sin square t वैल्यू पुट कर दी, लेकिन देखा कि क्वेश्चन लेंथी होता जा रहा है, तो कुछ मैंने दूसरा चेंज लेकर आया और मैंने देखा ये चेंज लाने से जब हम इसकी ब्रैकेट को खोलते हैं तो साइन टी कॉस रेज टू पावर 4t और इधर साइन टी कॉस रेज टू पावर 4t, मतलब ये दो टर्म्स जो हैं एक जैसे इनके वेरिएबल्स हैं, और हमने जस्ट क्या करना है इनको 2 - 6 करना है जिसका आंसर बाद में -4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम देखें तो साइन रेज टू पावर 4t इंटू कॉस टी साइन रेज टू पावर 4t, तो ये मतलब कहने का ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसी हैं, तो लाइक टर्म्स जिसको हम कह सकते हैं, इनको हम 2 - 6 - 4 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें इसके आगे, हमने यहाँ पर क्या किया, अगली स्टेप में हम इसको साइन टी और कॉस स्क्वायर टी दोनों में कॉमन लिया, तो बच गया 3 - 4 cos क्यूब टी,
डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन लेने पर 3 - 4 साइन स्क्वायर टी हमारे पास आ रहा है। मतलब कहने का अगर हमने जो बाहर ये कॉस टी आया था उसको भी हमने फिर से दोबारा मल्टीप्लाई किया अंदर, अब हमने एक फॉर्मूला जो है मुझे याद आया जो वो ये था कि साइन 3 थीटा की वैल्यू 3 sin θ - 4 sin³θ होती है, तो जो कि हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमें मिलता हुआ केस दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या पुट किया sin³θ। और ऊपर न्यूमिरेटर की बात करें तो न्यूमिरेटर में हमने इसको माइनस का कॉमन लिया साइन, तो 4 cos³t - 3 cos t की वैल्यू हमने cos³t पुट कर दी, बाद में इसका फाइनल आंसर cos³t आ चुका है। तो हम इस तरह से देखें अगर बात करें पूरे क्वेश्चन की, तो x इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 3t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos²t, y इज इक्वल टू cos रेज टू पावर 3t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos²t, तो इस तरह से dx अपॉन dt पहले निकाला गया, dy अपॉन dt पहले निकाला गया, फिर इन दोनों को डिवाइड किया गया, डिवाइड करके हमने देखा कि लाइक टर्म्स को हमने प्लस कर दिया, और इस तरह से हमारे पास हमने ये फॉर्मूला यूज किया, और फॉर्मूले के बाद हमारे पास फाइनल आंसर माइनस कोटेंजेंट ऑफ 3t इज द लास्ट आंसर। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, x इज इक्वल टू a इनटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ टी अपॉन 2, तो सबसे पहले हम इसी का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं dx अपॉन dt, a इज कांस्टेंट नो चेंज, cos t का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास माइनस sin ऑफ t, अब log x का डेरिवेटिव क्या है, ये है हमारे पास x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1 upon tangent of t upon 2 लिख दिया, लेकिन क्योंकि ये x नहीं है तो tangent t upon 2 का डेरिवेटिव, tangent x का डेरिवेटिव क्या हुआ secant square x, लेकिन ये x नहीं है, क्या है ये t upon 2, तो t upon 2 का द्वारा डेरिवेटिव हम जो निकालेंगे वो है 1/2, तो इस तरह से हमारे पास dx upon dt की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हम बात करें y is equal to a sin t की, तो ये तो सिंपल है dy dt is equal to a cos t, तो इस तरह से dy upon dx is equal to dy upon dt divided by dx upon dt, तो a cos t divided by a into minus sin t, sin t को हमने क्या किया, जैसे कि हम जानते हैं कि sin of 2 theta कितना होता है, sin of 2 theta हमारे पास कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है 2 sin theta इंटू cos theta, तो इस तरह से हमने theta की जगह हमारे पास कितना है t है, क्या है ये हमारे पास t, तो हमने इसको t अगर मान लिया तो थीटा को क्या बोलेंगे t अपॉन 2, तो थीटा कितना हो जाएगा t अपॉन 2, तो हमने यहाँ पर साइन t की जगह क्या लिखा -2 sin t upon 2 cos t upon 2, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि दूसरे जो हमें एंगल दिख रहे हैं वो t अपॉन 2 की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, अब हम 1 upon tangent t upon 2 को क्या लिख रहे हैं cos t अपॉन 2 अपॉन sin t अपॉन 2, secant square t अपॉन 2 को हमने 1 अपॉन cos square t अपॉन 2 लिखा, इनटू क्या है ये 1 upon t, तो ये डिनोमिनेटर था टोटल, तो इस तरह से हमारे पास अब आगे बढ़ेंगे, तो ये रहा माइनस, ये हो गया a cos t, a हमारा कैंसिल हो जाएगा cos t न्यूमिरेटर में, और ये है -2 sin t upon 2 cos t upon 2, यहाँ पर एक cos t और ये स्क्वायर था इसलिए कैंसिल हो गया, ये भी 2 sin t upon 2 cos t upon 2 हमारे पास बच चुका है, मतलब हम फिर से दोबारा हम क्या कर सकते हैं वही वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं cos t अपॉन इसकी वैल्यू का मतलब क्या था -sin t और नीचे 1 upon sin t, अब ये हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और एलसीएम यहाँ sin t इंटू cos t हो जाएगा, और ये sin square t मतलब 1 - sin square t, 1 - sin square t कितना होता है 1 - sin square t की वैल्यू होती है cos square t, कितना होता है ये cos square t, ठीक है ना, तो cos square t है, तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे sin upon cos कितना हुआ
टेंजेंट टी इंटू वन अपॉन कॉस टी का मतलब सीकेंट टी, या फिर आप यहीं तक इसको आंसर को छोड़ भी सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को अगर एक साथ देखना है तो x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट टी अपॉन टू, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला। y इज इक्वल टू ए साइन टी, इसका डेरिवेटिव निकाला। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें वैल्यूज को पुट किया तो फाइनल अमाउंट हमारा है आंसर साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू ए सिकेंट थीटा, y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है dx अपॉन d थीटा, सिकेंट थीटा का डेरिवेटिव सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा हमने पुट कर लिया। तो इसी तरह से टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या हुआ, इसका होता है सिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हम इसका डिवाइड करेंगे दोनों को तो dy अपॉन dx हमें मिलेगा, b सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन a सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। तो एक सिकेंट थीटा कैंसिल अपॉन टेंजेंट थीटा। आगे बढ़े अगर हम तो हम इसको लिख सकते हैं b अपॉन a, सिकेंट थीटा का मतलब 1 अपॉन cos थीटा और इधर ये cos थीटा अपॉन sin थीटा, मतलब cos थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास b अपॉन a sin थीटा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एक नजर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉस थीटा का हमने डिफ्रेंशिएशन किया माइनस साइन थीटा प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें अगर हम तो इस तरह से हमारे पास है ये प्लस साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास ए थीटा इंटू कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर फिर से दोबारा बात करें साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन नो चेंज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव वन। तो कॉस थीटा और माइनस साइन कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल, आंसर इज ए थीटा इंटू साइन थीटा। तो इन दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा दोनों आपस में कैंसिल, बच गया टेंजेंट ऑफ थीटा, ये हमारा फाइनल आंसर। पूरी नजर दौड़ाई जाए क्वेश्चन के ऊपर तो इस तरह से हमारे पास जो है ये पूरा क्वेश्चन हमें दिख रहा है, फाइनल आंसर इज टेंजेंट थीटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू a रेज टू पावर cos इनवर्स t, पता शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, हमने शो करना है। सबसे पहले हमें x दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर साइन इनवर्स t, हम दोनों साइड में अगर स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर रूट की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालें तो 2x इंटू डी एक्स डी टी, और राइट साइड में जैसे a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है उसी तरह से a रेज टू पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a, अब साइन इनवर्स t का द्वारा डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, मतलब कहने का 2x dx अपॉन dt, ये वैल्यू जो है हमारे पास टोटल की टोटल क्या थी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पुट किया लॉग ए पुट किया और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। इसी तरह से साथ साथ में बात करें वाई स्क्वायर किया हमने यहाँ पर तो ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी बन चुका है, इसका डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा टू इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर भी पिछला ही रूल हमने लगाया ए रेज टू पावर एक्स का रूल, क्या होता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, क्योंकि एक्स नहीं है कॉस इनवर्स टी है, कॉस इनवर्स टी का द्वारा डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लॉग ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। इस तरह से अगर हम आगे बढ़े
dy dx हमने पता करना था, मतलब dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो अकेला dy अपॉन dt का मतलब है ये 2y यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2y डिनोमिनेटर में जाने पर y स्क्वायर से कट गया, तो 2 नीचे अकेला बच गया, 2 अकेला ऊपर y log a अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x हम प्रूव कर चुके हैं। तो बच्चों जैसा कि बताया गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बड़े आराम से इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। मैं लास्ट में धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा, और साथ में रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्र साथियों को शेयर करें, लेकिन तभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। मैं इस तरह से प्रेरणा प्राप्त कर और ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।